हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप देख रहे पौराणिक भारत। ये ऐसा चैनल है जहां मैं आपके लिए रामायण, महाभारत, पुराण, लोक कथाओं जैसी कहानियां लेकर आऊंगा जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। क्या आप जानते हो कि दिवाली में लक्ष्मी जी के साथ विष्णु जी की जगह गणेश जी को क्यों पूजा जाता है? इसके पीछे एक रोचक कहानी है। लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा का जिक्र कई पौराणिक कथाओं में हुआ है। एक समय की बात है जब किसी वैरागी साधु को राजाओं की तरह सुख भोगने की लालसा होने लगी, इसलिए वह लक्ष्मी जी की आराधना करने लगता है। उस साधु की आराधना से प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी उसे दर्शन देती है और साधु को वरदान देती है कि उसे सम्मान और उच्च पद प्राप्त होगा। वह साधु दूसरे दिन राजा के दरबार में पहुंच जाता है और वरदान के अभिमान में राजा को सिंहासन से धकेल देता है। साधु का राजा के साथ ऐसा व्यवहार देखकर उनके सिपाही साधु को पकड़ डहाने के लिए उसकी तरफ दौड़ते हैं, लेकिन तभी राजा के मुकुट से एक काला नाग निकल आता है। यह देखकर सभी चौंक जाते हैं और सभी उस साधु को ज्ञानी संत और चमत्कारी समझने लगते हैं। वहां दरबार में मौजूद सभी उस साधु की जय जयकार करने लगते हैं। राजा भी साधु से खुश होकर उसे अपना मंत्री बन देता है। साधु के मंत्री बनने पर राजा उसे निवास के लिए एक महल देता है जहां वह शान के साथ रहने लगता है। कुछ समय बाद एक दिन साधु राजा के हाथ पकड़ देकर उसे दरबार से खींचते हुए बाहर ले जाता है। यह देखकर उसके दरबारी भी पीछे पीछे भागने लगते हैं। सभी के दरबार से बाहर निकलते ही भूकंप आता है जिसमें महल खंडहर बन जाता है। सबको लगता है कि साधु ने उनकी जान बचाई। इससे साधु का सम्मान और बढ़ जाता है। यह देखकर साधु में घमंड की भावना जागृत हो जाती है। इसके कुछ दिनों के बाद एक सुबह साधु राजमहल में घूम रहा होता है, तभी उसकी नजर गणेश जी की मूर्ति पर पड़े रहती है। साधु को वह प्रतिमा अच्छी नहीं लगती तो वह उसे हटवा देता है। इससे गणेश जी साधु से रुष्ट हो जाते हैं और उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। इस कारण वह हर काम उल्टा पुल्टा करने लगता है। इससे राजा साधु से क्रोधित होकर उसे कैद खाने में डलवा देता है। साधु कैद खाने में ही फिर से लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करने लगता है। कुछ समय बाद लक्ष्मी जी साधु को दर्शन देती हैं और कहती हैं कि तुमने गणेश जी को रुष्ट किया है, इसीलिए तुम्हें गणेश जी की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करना होगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर साधु गणेश जी की आराधना करने लगता है। इससे गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं और उनका क्रोध शांत हो जाता है। वह राजा के सपने में आकर साधु को फिर से मंत्री बनाने के लिए कहते हैं। राजा दूसरे दिन साधु को कैद से आजाद कर फिर से मंत्री बना देते हैं। इस घटना के बाद लक्ष्मी और गणेश जी एक साथ पूजे की जाने लगी। लक्ष्मी जी धन की देवी है तो गणेश जी को बुद्धि को संयम में रखने वाला माना गया है। वैसे कहा भी गया है कि एक संपन्न जीवन के लिए धन और बुद्धि दोनों जरूरी होते हैं, इसलिए लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा साथ में की जाती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धन और बुद्धि, जैसे कि लक्ष्मी और गणेश, हमारे जीवन में दोनों महत्वपूर्ण हैं। धन और समृद्धि के लिए लक्ष्मी की कृपा चाहिए, जबकि बुद्धि, समझदारी और समय पर योग्य निर्णय लेने के लिए गणेश की आवश्यकता है। इसीलिए दिवाली पर लक्ष्मी गणेश की पूजा करने से हम धन के साथ साथ बुद्धि और समझ को भी प्राप्त करते हैं, जो हमारे जीवन को समृद्धि और सुख शांति से भर देते हैं। यह पूजन हमें सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ मानवता और आदर्शता के मूल्यों का पालन करने की महत्वपूर्ण सीख देता है। इसके अलावा यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें अपने अहंकार को बढ़ने का कोई भी कारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि अहंकार हमारे जीवन में अच्छाई और खुशियों का स्रोत नहीं हो सकता। आपको आज की वीडियो कैसी लगी? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पौराणिक भारत के साथ जुड़े। धन्यवाद।